नमस्कार दोस्तों, आज गणेश स्थापना का दिन है और छुट्टी भी है। आज मैं सुबह सुबह आनंद जाने के लिए निकल चुका हूँ। वहाँ पे एक फार्म पे एक एकड़ में जेट्रोपा लगा हुआ है, जो आज हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसी की शूटिंग, उसी की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों, आप मेरा एपिसोड ध्यान से देखिए। जेट्रोपा एक ऐसी चीज़ है जिसमें से बायोडीजल निकाला जाता है, और हमारे देश में एक प्लेन भी बायोफ्यूल से उड़ान भर चुका है। तो जेट्रोपा का जो फ्यूचर है, आने वाला जो फ्यूचर है, बहुत ही ब्राइट है। तो आज आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर जेट्रोपा यानी रतनज क्या है। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज बारैया और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर डिस्कवरी। 10 सितंबर 2018 विपक्ष द्वारा भारत बंद का ऐलान, वजह पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम। तो क्या आज हम ये मान के चलें कि हमारे पास पेट्रोल डीजल का कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है? ये बिल्कुल गलत है मित्रों। हमारे पास डीजल का पर्याय ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। आप मेरे पीछे एक साधारण सा दिखने वाला पौधा देख सकते हैं, यही है डीजल का पर्याय। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इस एपिसोड में इसी पौधे के बारे में बताऊंगा। अगर हमारे देश का किसान कोई पौधा उगाए और उसी पौधे से बायोडीजल यानी जैविक ईंधन निकाला जाए और उसी ईंधन से हवा में एरोप्लेन उड़ाया जाए, और उसी एरोप्लेन में अगर आप अपनी फैमिली के साथ हवा में सैर कर रहे होगे, तो आपको कैसे लगेगा? जी हाँ मित्रों, ये बिल्कुल ये साधारण सा दिखने वाला पौधे ने कमाल करके दिखाया है। तो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ जेट्रोपा का जो फ्लावर है वो कैसा होता है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये है जेट्रोपा का फ्लावर है। ये अभी फ्लावरिंग का सीजन चल रहा है जेट्रोपा में। उसके बाद ये उसका फ्रूट है जेट्रोपा का, वो फ्लावर बाद में ऐसे फ्रूट में कन्वर्ट होता है, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो फ्रूट है, उसके बाद वो पकने के बाद आप देख सकते हैं, पकने के बाद ये ऐसे फ्रूट में कन्वर्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। मैं इसको तोड़ता हूँ और मैं आपको अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ज़रा, ये जेट्रोपा का पका हुआ फ्रूट है, आप देख सकते हैं। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, तो मैंने इसको बिल्कुल तोड़ दिया है। इनमें से ये दो सीड निकले हैं, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, दो सीड निकले हैं। इस सीड को मैं आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये दो सीड है जो जेट्रोपा का है, जिसमें से बायोडीजल बनता है। अभी मैं इसको आपको तोड़ के दिखाता हूँ इसमें क्या है। देखिए ये मैंने तोड़ दिया है, ये ऊपर का एकदम जो हाड़ का जो कवच है वो निकल गया है, अंदर से एक सफ़ेद सी चीज़ निकली है, पल्प निकला है जो वाइट कलर का है, जिसको प्रोसेसिंग करने के बाद बायोडीजल बनाया जाता है। यही है, यही चीज़ है जिसमें से बायोडीजल बनाया जाता है। और इसमें जेट्रोपा के ये सीड में लगभग 36-50% ऑयल होने का रिसर्च में प्रूव हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है जिसमें से प्रोसेसिंग करके बायोडीजल बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। मित्रों आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये जेट्रोपा के सीड को हम प्रेस करते हैं हमारे फिंगर के बीच में, तो आप देख सकते हैं ये जो फिंगर है एकदम गीली हो चुकी है, एकदम ऑयली हो चुकी है। इतना ऑयल होता है उसमें, 36-50% जो रिसर्च में प्रूव हुआ है, मैंने आपको अभी बताया, जो देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऑयली हो चुका है। और यही है डीजल का पर्याय, हमारे लिए सिर्फ यही पर्याय बचा हुआ है। जेट्रोपा का प्लांट है क्या, आप ये देख सकते हैं, ये जेट्रोपा का लीफ है, ये साधारण से दिखने वाला है। हमारा जो पीपल का पेड़ होता है उसी टाइप का एक चौड़ा सा ये उसका लीफ है, एकदम ग्रीन है, और ये उसका छोटा लीफ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बड़ा होते जा रहा है, और ऐसे करते करते ये जेट्रोपा का प्लांट आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं मित्रों, ये उसका स्टेम है, ये स्टेम भी साधारण से दिखने वाला है, बहुत इतनी उसकी जाड़ाई या मोटाई नहीं है। ये नीचे से केवल एक ही निकला है, लेकिन आगे जाते हुए बहुत सारे ब्रांचेस में वो कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों तो आपने अभी देखा जेट्रोपा के बारे में, ये एक साधारण सा दिखने वाला पौधा, आप देख ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन लाने की क्षमता रखता है। तो अगला आने वाला मेरा एपिसोड होगा कि ये जेट्रोपा की
खेती हम कैसे करते हैं, तो आने वाला मेरा अगला एपिसोड जेट्रोफा की खेती कैसे करें उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड बाय। आगे पाव खाने में सेट कर दो। देखो ये ताई जा। चलो। दूरा बना खाना। एक सुबह रख दीजिए। आयु। दोस्तों तो आपने हाँ सर आप बताइए आप क्या जानते हैं जेट्रोफा के बारे में? तुमसे बोला हम कहते तुम बोली दो भाई समझो इसको पारस दियला बोलते हैं हमारे देसी भाषा में और इसका यूज मेडिसिनल यूज होता है तो गुजराती में बोले तो मजा आना बताऊँ क्यों यूट्यूब तो पेट दर्द में भी इसका यूज करते हैं इसको पानी को सेक के पेट को लगा देते तो वो गैस वगैरह दूर हो जाता है।